हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना मिनी व्लॉग, पहला मिनी व्लॉग। तो आज मैं इस मिनी व्लॉग में दिखाने वाला हूँ आपको अपना रूम। वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर यार। तो हालत जानती हो क्या होगी। तो मैं आपको अपना रूम दिखाने वाला हूँ। मैं घर से बाहर काफ़ी दूर दूसरी सिटी में रह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, इतना तो कर ही सकते हो, थोड़ा कर दो यार। वैसे ही कुछ नहीं मिलता हमें ज़िंदगी में, भी सिंगल ही रह रहे हैं। कम से कम इसी बहाने तुम लोगों का थोड़ा साथ मिल जाएगा, चैनल को ही सब्सक्राइब कर दो यार। चलो शुरू करो। सो गाइज, ये है मेरा रूम। इसमें बिस्तरा भी मैंने सही नहीं किया है, बस बैठा हुआ था ऐसे ही। तो ये है मेरा किचन छोटा सा, इसमें हम अपना खाना वगैरह बनाते हैं। ये थोड़ा सामान लगे रखा हुआ है, चीनी दाल वगैरह, और ये इधर और सामान भी है, आटा वगैरह रखा है। इधर कपड़े पड़े हुए हैं और इधर छत है, और उस साइड में बाथरूम है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो थोड़ा मैं बिना जर्सी वगैरह के घूम रहा हूँ। बाकी रोज़ तो यहाँ काफ़ी कोहरा छाया रहता है, आज लक्की हूँ मैं कि धूप निकली हुई है। और ये नीचे फैमिली रहती है, तो नीचे का मैं दिखाने लगता जगह। ओके तो गाइस, अब चलते हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया घर में पड़े हुए। तो गाइस, बाहर ठंड लग रही थी थोड़ी, इस करके मैं अपनी हुडी पहन आया हूँ। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाज़ार में घूमने के लिए अपने दोस्त के साथ में, ठीक है? तो थोड़ी देर में मिलते हैं, आपका बाज़ार भी दिखाऊँगा। तैयार हो ले, किस पे क्या हटाएगा आज, किस पे क्या हटाएगा आज, कहाँ चले फिर बता। चल ठीक है। सो गाइस, अब हम आ गए हैं रोहतक के बाजार में। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, ज़्यादातर यहाँ कपड़े की दुकानें मिलेगी आपको। अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर सर्दियों के कपड़े और शूज़ की भी दुकानें हैं, तो काफ़ी शूज़ भी हैं यहाँ। बाकी यहाँ पार्क में आप देख ही सकते हैं। सो गाइस, अभी हम आए हैं एक पार्क में रोहतक के, जिसका नाम है कैप्टन दीपक शर्मा, शहीद कैप्टन दीपक शर्मा। तो इसमें दीपक शर्मा जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी बनाई गई है। अरे वाह, वो एक डायनासोर। हाथी आधा पीछे से वो बना रखा है, मगर डायनासोर वाले देश की आज़ादी के लिए लड़े, जो लड़े हैं और जान हथेली पर लिए, सरहद पर जो खड़े हैं, उनके दर्शन ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बड़े हैं। शहीद कैप्टन दीपक शर्मा साहब। पुरुषों के लिए भी बना दो भाई कोई, ये देखो सड़ा हुआ है पुरुषों के लिए। तो गाइस, अब मैं वापस आ गया हूँ रूम पर, और आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,